नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खास खबर। बाजीगर में काजोल की इस बात से गुस्सा थी शिल्पा शेट्टी, सालों बाद निकाली मन की भड़ास। अपने टाइम की सुपरहिट फिल्म बाजीगर का डायलॉग हो गया गाना आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी की इस फिल्म ने तीनों स्ट्रगलिंग एक्टर्स को बॉलीवुड का चमकता सितारा बना दिया। मगर शिल्पा शेट्टी की इस डेब्यू फिल्म में वो अपनी को स्टार काजोल से खासा गुस्सा नहीं थी, बल्कि उनसे बहुत गुस्सा थी। जिस बात का खुलासा सालों बाद शिल्पा ने किया। रिसेंटली शिल्पा ने रियलिटी शो पर सिंगर कुमार सोनू शिरकत ली थी, जिन्होंने बाजीगर का एक गाना गुनगुनाया तो पुरानी यादें ताजा हो गयी। इसी मोमेंट पर शिल्पा ने सभी को बताया कि इस फिल्म में वो काजोल से बहुत नाराज थे। शिल्पा ने बताया कि फिल्म के गाने ये काली काली आंखों के लिए शिल्पा की जगह काजोल को सिलेक्ट कर लिया गया था, जिससे शिल्पा बहुत खफा हो गई थी। पहले ये गाना शिल्पा पर फिल्माया जाना था, मगर बाद में इसे काजोल पर फिल्माया गया। इसी बात से शिल्पा बहुत दुखी थी। वहीं शिल्पा ने आगे हंसते हुए ये बात कही कि जब ये गाना रिलीज के बाद हिट हो गया तो वो और भी दुखी हो गई थी। शिल्पा ने कहा कि उस समय काजोल का इस गाने से कोई मेल नहीं था, फिर भी इस गाने में उन्हें लिया गया था, इस बात से वो परेशान थी। शाहरुख और आमिर की राह पर चलेंगे सलमान खान, पिता बनने के लिए लेंगे सरोगेसी का सहारा। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म भारत के प्रमोशन में बिजी है। वही सलमान खान इस इंडस्ट्री के बीते 30 साल से बेहतरीन फिल्में दे रहे हैं। वहीं शादी के सवाल को टाले जाने वाले सलमान खान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इस बात को रखी कि वो पिता अच्छे बनेंगे। सलमान ने ज्यादातर रियलिटी शो में एक सवाल पूछा जाता है कि वो शादी कब कर रहे हैं। वही इस बात के सवाल पर सलमान ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो अच्छे बेटे हैं और अच्छे पिता बन सकते हैं, मगर शायद अच्छे पिता ना बन पाए। 53 साल के सलमान की इन बातों से लोगों का अंदाजा लगा रहे हैं कि सलमान पिता बनने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार माने तो सलमान खान अभी शादी करने को तैयार नहीं है, मगर सलमान जल्द ही सरोगेसी से पिता जरूर बन सकते हैं। सलमान बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये देखा जा सकता है। सलमान के इस बयान से ही कयास लगा जा सकता है कि वो सरोगेसी से पिता बन सकते हैं। रणबीर कपूर के साथ शादी की अफवाह पर भड़की आलिया भट्ट की माँ, दिए ये बयान। बॉलीवुड सुपरस्टार्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में दोनों लव बर्ड्स लेक कोमो में वेकेशन के लिए जा रहे हैं। अफवाहों से ऐसा माना जा रहा है कि आलिया और रणबीर गुप्त रूप से लेक कोमो में अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। लेक कोमो वही झील है जहां रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण की 14-15 नवम्बर 2018 को शादी हुई थी। हालांकि इन अफवाहों से सुनने के बाद आलिया भट्ट की मां एक्ट्रेस सोनी राजदान ने इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक्ट्रेस सोनी ने कहा कि यह पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें हैं। इस स्टेटमेंट से यह काफी स्पष्ट होता है कि वह अफवाहें झूठी है और अभी तक रणबीर और आलिया ने शादी करने का नहीं सोचा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।